इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। आजादी की पहली लड़ाई यानी सन 1857 की ये कहानी कुछ अनजानी सी है। कानपुर, मेरठ, दिल्ली और झांसी जैसे शहरों का संबंध तो उस लड़ाई से जुड़ा है ही, लेकिन सन 1857 की उस बगावत का नाम अमृतसर से भी जुड़ा है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। 1 अगस्त सन 1857 का दिन भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के इतिहास में काले दिन की तरह है। पंजाब के अमृतसर शहर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित अजनाला में उस दिन भयानक नरसंहार हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय मूल के सिपाहियों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी और क्रूरता की तमाम सीमाएं लांघते हुए मारे गए सिपाहियों के साथ ही जीवित सिपाहियों को भी एक गहरे और सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। वो भयानक घटना और अजनाला का वो बदनाम कुआं वर्षों तक सभी की याददाश्त से ओझल रहे। आज भी बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इतिहास के इस अध्याय की जानकारी होगी। उस दिन अजनाला में जो हुआ वो दरअसल 1857 के लाहौर में चल रहे अशांति के माहौल का परिणाम था। 10 मई सन 1857 को अंग्रेजों की सेना के भारतीय मूल के सिपाहियों ने मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खुली बगावत छेड़ दी थी और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी बगावत की शुरुआत हो गई। उसकी धमक बहुत जल्द दिल्ली, अवध, बिहार और पंजाब में सुनाई देने लगी। बगावत का बिगुल बजने के 3 दिन बाद यानी 13 मई को जब लाहौर में बगावती गतिविधियां शुरू हुई, उसी के नतीजे में 1 अगस्त को अजनाला का कत्लेआम हुआ। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय मूल के सिपाहियों से हथियार वापस करने को कहा गया। उनके साथ अंग्रेज अफसरों ने दुर्व्यवहार किया और कई सिपाहियों की हत्या कर दी। जुलाई महीने में ये सिपाही लाहौर से भागकर अमृतसर होते हुए दिल्ली जाना चाहते थे। लगभग 200 सिपाहियों को अमृतसर के पास रावी नदी के तट पर और अजनाला में मार दिया गया। अमृतसर के डिप्यूटी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर के आदेश पर अजनाला में कई सिपाहियों को गोली से उड़ा दिया गया। दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बहुत कम रिकॉर्ड मौजूद हैं। अमृतसर के इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ को अजनाला कांड पर शोध करने में वर्षों लग गए। इस हत्याकांड पर उन्होंने अजनाला नरसंहार 1857 नाम से किताब भी लिखी। सन 2014 में श्री कोछड़ ने अजनाला के उस कुएं की खुदाई भी करवाई जिसमें 157 वर्ष पहले भारतीय सिपाहियों को डाल दिया गया था। कुएं से मारे गए सिपाहियों के अवशेष मिले। उन्होंने लिव हिस्ट्री इंडिया को बताया कि असल में हुआ क्या था। अजनाला के नरसंहार के बारे में जानने के लिए 13 मई से बात शुरू करते हैं। 13 मई 1857 को जब लाहौर की मियां मीर छावनी में एक परेड में सुबह 6 बजे परेड हुई, उसके चलते जो 16, 26 और 49 प्यादा रेजिमेंट थी, इनके जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनसे हथियार सरेंडर करने के लिए कहा गया। ये एक ड्रामा था जो अंग्रेज तकरीबन हिंदुस्तान की हर छावनी में खेल रहे थे। पहले जो पूर्वी सिपाही थे उन्हें उनकी ताकत, उनकी जो सहयोग था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो याद दिलाया गया। उन्हें यह बताया गया कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बूते हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ चुकी थी। फिर अचानक उन्हें बोल दिया गया कि आप अपने जो हथियार हैं वो रख दीजिए। हिंदुस्तानी जो सिपाही थे उनको यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अंग्रेज जो अपनी फितरत के मुताबिक एक नई चाल उनके साथ चल रहा है। उन्हें यह भी पता था आज नहीं तो कल उन्हें मार दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या तोपों के आगे खड़े करके उड़ा दिया जाएगा। इसलिए इसके अगले ही दिन 14 मई 1857 को सुबह 8 या 9 बजे इन्हीं फौजियों में से कुछ फौजियों ने बगावत करके मियां मीर छावनी से भागने की कोशिश की, जो मैं 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर पकड़े गए। उन्हें वापस कैंटोनमेंट में लाया गया और बाकी फौजियों का मनोबल कम करने के लिए, उन्हें डराने के लिए,
उनको उनके सामने तोपों से उड़ा दिया गया। यही इसी तरह का कुछ 9 जून को भी हुआ। हिंदुस्तानियों के जो फौजी थे कंटोनमेंट में, उन्हें डराने के लिए हर तरह का वहाँ प्रचार किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था कि अगर वो बगावत करते हैं तो इससे भी बुरा हशर उनके साथ होगा। पर 30 जुलाई का दिन जब अंदर, क्योंकि सभी फौजी यही थे, फौजी को जैसे हर फौजी का होता है कि वो अगर कैद में है तो भागना उसका सबसे पहली ड्यूटी बनती है, तो उस दिन सभी आप जो लाहौर छावनी में फौजी मौजूद थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि जिसके तहत ये था कि भागकर अमृतसर और अमृतसर के बाद दिल्ली पहुंचना था उन्हें। 30 जुलाई को शाम जब वो आपस में इसी पर चर्चा कर रहे थे तो मेजर मैसूर स्पेंसर, वो उसने उनको अपनी बैरकों में जाने के लिए कहा और उन्हें धमकाया गया। उसी वक्त क्योंकि इनके पास, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इनसे वेपन वगैरह ले लिए गए थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था, तो प्रकाश पांडे नाम का स्पाई था जो, उसने मेजर मैसूर स्पेंसर की तलवार से उसी को कत्ल कर दिया। और उसमें जो मुदाखलत कर रहे थे, उसमें जो दखलंदाजी कर रहे थे, 2 और ऑफिसर, वो भी उसमें मारे गए। इसी दौरान जो वहाँ पर जो पंजाबी रेजिमेंट के लोग थे वहाँ पर, उन्होंने इन पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। पर अचानक वहाँ पर एक काली स्याह अंधेरी चढ़ाई। इसका जिक्र जो इसका जो सूत्रधार है सारे एपिसोड का, जिससे प्रथम तौर पर हमें जानकारी मिलती है, जो फ्रेडरिक हेनरी कूपर है, अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर, उसकी जो बुक है क्राइसिस इन द पंजाब, उसमें उसने स्पष्ट तौर पर लिखा है इसके बारे में कि शाम को अचानक काली स्याह अंधेरी चढ़ाई और उसके बाद जो फौजी थे वहाँ कंटोनमेंट से, उन्हें भागने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया। ये फौजी भागते हुए लाहौर से अगले दिन सुबह अजनाला के पास पहुंचे, जहां पर रावी दरिया निकलता है। रावी दरिया के उस पार जो डडिया गांव है, उस वक्त डडिया था, डडिया सोफिया बन चुका है क्योंकि बेबाद हो चुका है गांव और किसी और जगह तब्दील हो चुका है। वहां पर बालघाट, जहां बच्चों का देह संस्कार वगैरह, जो अस्थियां जल प्रवाह करते थे, वह उस जगह पर आ गए। एक बहुत बड़ा एक पत्थर का एक बड़ा थड़ा बना हुआ था वहां पर, झाड़ियों के पीछे से लोग शिफ्ट किए वहां पर। अभी इनके सामने यह था कि इन्होंने दरिया पार करके अमृतसर पहुंचना था, पर बरसातों के कारण, बारिशों के कारण पानी, जो दरिया का पानी था, बहुत उफान पर था। उन्होंने गांव के जिम्मेदारों से दरिया पार करने का रास्ता मांगा, तो जैसे कि मुनादी करके और अलग अलग तरीक़ों से ये बात हर जगह पहुंच चुकी थी कि लाहौर छावनी से कुछ सिपाही जो पूर्वी सिपाही हैं, बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के जिसमें ज़्यादा गिनती थी, ये लोग भाग कर अमृतसर जाना चाहते हैं, वो अमृतसर से दिल्ली जाएंगे। तो गांव के जिमींदारों ने तुरंत इसकी सूचना जो गांव का चौकीदार था सुल्तान खान, उसे दी। सुल्तान खान ने इन सिपाहियों को कहा कि आप मेरे बच्चों के समान हो, मेरे बेटों के समान हो, मैं आपके लिए खाने पानी का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि सभी को जानते थे कि 2 दिन से जो लोग भूखे थे और काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचे थे, वो इनको वहाँ पर रोटी का लालच देकर, खाने का लालच देकर, वो जो सुल्तान खान है सीधा वो सोड़गियाँ गांव है जहाँ पर अब गांव है, पहले तहसील हुआ करती थी, तो तहसील में वहाँ पुराना जो तहसीलदार था उससे मिला और उसने उनको सारी बात बता दी। तहसीलदार ने तुरंत अपने जो जितने भी तहसील में सिपाही थे और उनके जो सहायक जो मजिस्ट्रेट था, जो अदालती जिसको डेजिग्नेशन था जोत सिंह, उसके अंडर जितने सिपाही थे सभी को तुरंत मौके पर भेज दिया। और साथ ही अदालती जोत सिंह के हाथ जो मैसेज अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर के पास भी भेज दिया। कूपर क्राइसिस इन द पंजाब में लिखता है कि वो शाम सायं 5 बजे वहाँ पर पहुँचा। उसके साथ 80 उसके साथ सिपाही थे और जनरल बॉयड जो था उसके साथ 24 के करीब सिपाही थे। इसी तरह जो रसालदार थे, 2 लोकल रसालदार थे, उनके साथ भी उनके सिपाही थे। और शमशेर सिंह संधावालिया जो वहाँ की रियासत का ओनर था, उसके साथ भी 6-7 घुड़सवार मौके पर पहुँच गए। कुल मिला के देखें तो 300 से 350 के करीब जो सिपाही वहाँ पर मौजूद थे। इनका सिपाहियों की गिनती का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कूपर ने खुद अपनी किताब में हिंदुस्तानी सिपाहियों का कमज़ोर दिखाने के लिए उसने क्लियर लिखा है कि मौके पर एक सिपाही पहुँचा और उसने उनको बंदूक से इशारा किया और सभी सरेंडर करके दरिया के से और आ गए। खैर, इससे आगे देखेंगे, जब ये सिपाही मुखर पर पहुंचे तो 2 कश्तियों में 30-30 करके वो सिपाही बालगढ़ की ओर भेजे गए। उन्होंने वहाँ पर उनको सिपाहियों को हाथ खड़े करने के लिए कहा और दरिया पार करके इस ओर आने के लिए कहा। जो देसी सिपाही थे वो ये समझ रहे थे कि उनके साथ कोर्ट मार्शल होगा,
और शायद थोड़ी बहुत सजा देकर उनको उनके गाँव में वापस भेज दिया जाएगा। पर कूपर के अरादे कुछ और थे, उनको इधर बुलाया गया। और कूपर जैसे खुद ही इसने यह भी जिक्र किया है कि उनके गलों में जो जनेऊ वगैरह थे, जो मालें पहनी थी उन्होंने, इसने सभी उतरवाकर वो उनके दरिया में फेंक दी। 9 मील का फासला तय करते हुए जो वहाँ से सिपाही थे उनको अजनाला लाया गया, जहाँ तहसील नई तहसील बन रही थी अभी। और वहाँ पर एक महज एक पुरानी बिल्डिंग थी, पुलिस थाने की बिल्डिंग, और उसके अलावा वहाँ पर तहसील थी। ये लोग रात को करीब करीब 1:30 या 2 बजे वहाँ पर पहुँचे। इनको वहाँ पर तक लाने के लिए बकेदा सोड़ियाँ गांव से एक लंबा रस्सा भी मंगाया गया, जिससे इनको टाइट से बांधा गया था। और इनके साथ चलती हुई पुलिस जो थी वो अजनाला पहुँची। इनमें से कुछ लोग जब कूपर मौके पर पहुँचा था तो उसकी जो गोलीबारी की, उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू की, तो 150 के करीब ने दरिया में छलांगे लगा दी थी। 50 मौके पर मारे गए थे। और जो लोग छलांगे लगाकर रावी दरे में शाहकोट आगे बैरक है, एक ज्वाइंट चेक पोस्ट है अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा समय में, वहाँ पर पहुँच गए, उन्हें भी रात को पकड़ के 3:30-4 बजे के करीब अजनाला लाया गया। पहले जो सिपाही जो कूपर के साथ आए थे उन्हें वो थाने की बिल्डिंग में बंद कर दिया गया। और जो बाद में जो शमशेर सिंह संधावाली और बाकी रिसालदार वगैरह जिनको पकड़ के लाए, उनकी काफ़ी हालत ख़राब थी, उनके काफ़ी चोटें आई हुई थी। जगह ना होने के कारण तहसील में नए बड़े बुर्ज में उन्हें ठूस ठूस कर भर दिया गया। छोटा सा बुर्ज है 6x8 का, वो जो आज भी मौजूद है वहाँ पर। इसके बाद कूपर चाहता था, जैसे कूपर ने खुद लिखा है, कि वो उसी रात इनको फांसी पर लटकाना चाहता था, पर यह स्वाभाविक नहीं था, जो पॉसिबल नहीं था, इसलिए डिले करना पड़ा। और अगले दिन पर इनका जो फैसला था, जो सजाएं थी इनकी, अगले दिन पर मुलतवी कर दी गई। 1 अगस्त 1857 बकरीद का दिन था। लोकल मुसलमान जो थे अजनाला में, सिपाही थे जो, वो वहाँ से अमृतसर ईद मनाने के लिए पहुँच चुके थे। इसके लिए इन्हें जो सजा देने के लिए, जो देसी सिपाही पकड़े गए थे, इन्हें सजा देने के लिए पंजाबी सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई, जिनकी भर्ती कुछ समय पहले ही की गई थी। जो आज की डेट में जहाँ अजनाला में जो कंटोनमेंट की ग्राउंड है, परेड ग्राउंड उसको उस वक्त बोलते थे, उस ग्राउंड में जो थाने में बंद सिपाही थे उनको सुबह 10 बजे 10-10 करके वहाँ पर लाया गया। उनके निशाना लगाने के लिए उनके जो अंग्रेजी सिपाही थे, पंजाबी बटालियन जो थी, उनके सिपाही पोजीशन लिए हुए खड़े थे, और 10-10 करके उनको गोलियाँ लगाई गई। और देखते देखते कि लाशों का बड़ा ढेर, जो थाने में जितने भी सिपाही बंद थे उनका एक बड़ा ढेर लग गया। उस वक्त जो मौके पर जो कूपर के साथ सहायक जो कमिश्नर था वो भी खड़े थे, तहसीलदार था और एक मजिस्ट्रेट भी था। और जब ये सारे थाने वाले सिपाही जो कत्ल कर दिए गए, लाशों का एक बड़ा ढेर लग गया, तो जब जो तहसील का बुर्ज था जिसमें बाद में सिपाही रखे गए, उनको जब निकालने लगे तो उनकी अर्धमूर्छित हालत में थे, क्योंकि हुमस के कारण एक छोटी सी जगह में इतने सारे सिपाहियों को रखा गया, भूखे प्यासे थे, ऊपर हुमस का मौसम। तो उन्होंने उनमें से 20-25 को तो लाया गया, बाकी उन्हें उसमें से निकलने से इनकार कर दिया। कूपर ने उसी वक्त एक योजना बनाई, क्योंकि इनको जिनको मारा गया था, जिन सिपाहियों को, इनको जलाना भी ज़रूरी था इनको, क्योंकि इनकी जो डेड बॉडी थी इनको ख़त्म करने के लिए जलाना या कोई और तरीका ढूंढना था। जलाना पॉसिबल नहीं था, इतनी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी और इस पर खर्चा भी काफ़ी आने वाला था। तो कूपर ने इसके लिए जहाँ पर वो जे इनको मारा गया, एक छोटा कुआं वहाँ था, और उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक कुआं और था, बड़ा कुआं था, पानी रहित था। तो पहले जो मुर्दा सिपाही थे उनको उसमें फेंका गया, उसके बाद जिंदा सिपाही जो अभी सहक रहे थे, जो बाहर नहीं निकलने की जिद पर अड़े हुए थे, उन जिंदा सिपाहियों को भी उस कुएं में फेंक दिया गया। उनके ऊपर ही एक कोला और जो चूना फेंक दिया गया, ताकि जो इनकी डेड बॉडीज वगैरह हैं इनका मांस जल्दी गल जाए, ख़त्म हो जाए, और उसको ऊपर से मिट्टी से भर दिया गया। ये कुआं वर्षों तक याददाश्त से, नज़रों से और इतिहास से ओझल रहा। स्थानीय लोग इसे भूतों का कुआं जैसे अलग अलग नामों से पुकारते रहे, लेकिन उन्हें इस कुएं की असली जगह का पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उस कुएं में कई शहीद सिपाहियों को दफना दिया गया था। यहाँ तक कि सन 1972 में कुएं की जगह पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया था। श्री कोच्छड़ के शोध ने
उन्हें कुएं के सही स्थान तक पहुंचाया। वो पक्के इरादे के साथ उस जगह खुदाई करवाकर जमीन के नीचे छुपी सच्चाई को सामने लाना चाहते थे। 157 साल तक कुएं में अंदर ब्राह्मण, तिवाड़ी और मुसलमान सिपाही एक साथ दफन रहे। कूपर ने जैसे खुद भी लिखा है कि उस कुएं में गाय का मांस खाने वाले और गाय की पूजा करने वाले, सुअर से गिरना करने वाले और सुअर का मांस खाने वाले, अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले और श्री राम के नारे लगाने वाले एक साथ कुएं में दफन हो गए। उसने अपनी इस हाजिर दिमागी के बारे में जो चर्चा की है, इसमें खैर हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी दुखदायी बात है जो कूपर ने उसमें इनकी जो मौत का जो तमाशा है उसका जिक्र किया। वो कहता है कि मैंने 48 आवर्स के अंदर हिंदुस्तानी सिपाहियों को उन्हीं की धरती पर उन्हीं के लोगों से कत्ल करवा दिया और बिना अपने एक सिपाही का खून अदा किया। मतलब उसने अपने एक भी जो अंग्रेज सिपाही था उसका इसमें नुकसान नहीं होने दिया। कूपर ने इस तरीके जो सारा एपिसोड था उसको बड़ी दरिंदगी के साथ और बड़े मज़े लेकर उसने जो अपनी बुक है क्राइसिस इन द पंजाब उसमें उसका जिक्र किया है। वो इस कुएं को पूर्वियों का कुआं, बागियों का कुआं, कालियों का कुआं, जैसे अवध के लोगों को, यूपी के लोगों को उमूमन वहाँ पर उस वक्त जब जो काला कहकर संबोधित किया जाता था ऐसे नाम दिए। विडम्बना यह कि बाद में वो कुआं भूतों के कुएं में तब्दील हो गया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जहाँ पर लोग दफन है इस जगह पर दफन है, पर वो कुआं कहाँ था? उसमें मारे गए लोग, जो शहीद किए गए लोग, जो सिपाही थे वो कहाँ पर गए, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई। 157 साल तक ये कुआं दफन रहा। उसी दौरान 1972 के करीब उसके ऊपर एक गुरुद्वारा बना दिया गया जिसके और कुएं के बिल्कुल ऊपर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाने लगा। गुरुद्वारे का नाम काले वाला खूह गुरुद्वारा रखा गया। मैंने इसके ऊपर क्योंकि मैं जब से कुएं में अस्थियां निकलने तक, जैसे पहले जब मैं डिमांड कर रहा था कि कुएं में से वहां पर अजनाला में कुआं है, कुएं में 282 सैनिक दफन है, उनको निकाला जाए, तो जब भी डिमांड करता था लोगों का एक ही सवाल था कि मुझे कैसे पता चला कि वहां पर कुआं है जहां कुएं में इतने सिपाही दफन है। दफन होने की बात तो मैंने जैसे क्लियर कर दिया कि क्राइसिस इन द पंजाब में कूपर ने लिखा है, हालांकि उसने बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी इस एपिसोड को जिक्र किया गया है उसके द्वारा। वो हिंदुस्तानी सिपाहियों को बहुत कमज़ोर दिखाना चाहा उसमें और अपने आप को बहुत बुद्धिमान। उसी दौरान एक इसमें से एक महज एक बड़ी बहुत बड़ी बात एक और भी है कि जब 282 सैनिकों को मारा गया तो उसमें एक सैनिक जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, कूपर ने एक सिपाही को उस वक्त जिंदा रख लिया। वो कहता है कि वो उसे ट्रॉफी के तौर पे, एक समृद्धि चिन्ह के तौर पर क्वीन विक्टोरिया को भेंट करना चाहता था, पर क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पर कोई दरबार नहीं लगा, वो आ नहीं सकी, इसलिए उस सिपाही को बाद में लाहौर ले जाकर बाकी सिपाहियों के साथ तोप के साथ उड़ा दिया गया और उसका सिर काट के रानी को ट्रॉफी के तौर पर भेजा गया। फिर कूपर की मानसिकता के बारे में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, पर मैं फिर वही बात करता हूँ कि अजनाले के जो सिपाही थे वो गुमनाम थे, कुआं गुमनाम था, कोई किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। पर मैंने जो 10-12 साल की रिसर्च थी उसमें मेरे को ये क्लियर हो चुका था कि अजनाला में जहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ पर प्रकाश हो रहा है गुरु ग्रंथ साहब का, वहाँ पर वो कुआं मौजूद है और उसी में 10 फुट नीचे या 12 फुट नीचे वो सिपाहियों के कंकाल, जो समय के कारण कंकाल बन चुके हैं, वो पड़े होंगे। मैंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए गुरुद्वारा कमेटी से भी संपर्क करने की कोशिश की और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, डिप्टी कमिश्नर हो गया, मुख्यमंत्री पंजाब के, जो आर्काइव डिपार्टमेंट था, इनको बकायदा टाइम टू टाइम मेमोरेंडम देता रहा। तकरीबन 4-5 साल में मैं 5 बार या 6 बार इनको मेमोरेंडम दिया जिसमें मेरी एक ही मांग थी कि कुएं को वहाँ से कुआं पता लगाकर जो शहीदी स्थान में बना हुआ है उसमें से जो डेड बॉडीज वगैरह हैं जो कंकाल का रूप ले चुकी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी थी कि जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा है बिल्कुल उसके नीचे जो इतने आदमियों की, इतने सिपाहियों की जो लाशें पड़ी हुई हैं, तो कहीं पर भी ये जाए नहीं थे और सिखों की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन
मैं मेमोरेंडम देने के बावजूद, डॉक्यूमेंट पेश करने के बावजूद, क्योंकि मेरे पास तब तक वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठे कर लिए थे कि 1920 की मेरे पास पिक्चर्स आ चुकी थी, क्योंकि इसमें एक बड़ा महज है कि बाबा जगत सिंह जो जिन्होंने जो सारा नरसंहार होते हुए देखा, उनकी गवाही बड़ी मायने रखती है। उन्होंने उस वक्त एक जो इलाहाबाद से मैगजीन निकलती है चांद, उसमें भी उनकी गवाही एज इट इज प्रिंट हुई, और जो कूपर ने लिखा था काफ़ी उससे मिलता जुलता उन्होंने बयान किया। हालांकि जो बाबा जगत सिंह बिल्कुल अनपढ़ थे और उन्हें क्राइसिस इन द पंजाब बुक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इससे ये हो जाता है कि कूपर जो लिख रहा था अपनी उसकी अलग, जो उसने जो बहादुरी का व्याख्यान कर रहा था वो उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो एपिसोड है जितना भी जो नरसंहार हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कूपर ने लिखा था। फिर मैंने वो सारे दस्तावेज इससे जय पता, क्योंकि 1957 में उसी जगह पर कुएं के ऊपर ही एक, क्योंकि कुआं तो मिट्टी में दफन था, उसकी में एक बुर्जी बनाई गई 1957 में जब इनका 100 साल वहाँ पर मनाया गया, तो वह उसमें 1857 के शहीद लिखा हुआ था। वो फोटोग्राफ मेरे पास थी पर बुर्जी हट चुकी थी, वहाँ पर अब बुर्जी मौजूद नहीं थी। खैर मेरे जब जो सारा मेरा चल रहा था, जो कार्रवाई सारी चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को मनाने की, गुरुद्वारा कमेटी को मनाने की, जो वहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, तो उसी दौरान 30 सितंबर को मेरे को गुरुद्वारा कमेटी के लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उसी दिन मैं शाम को 5:30 बजे अपने परिवार सहित गुरुद्वारा में पहुँच गया। पहुँचते मेरे सबसे पहली जो मेरी शर्त थी, जो सबसे पहले मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो जय थी कि जो जहाँ पर प्रकाश हो रहा है गुरु ग्रंथ साहब का, उसके नीचे खुदाई करके कुएं में से डेड बॉडी निकाल के उसको किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, जहाँ उनका बनती जगह जहाँ पर उनका संस्कार वगैरह करके किसी भी जगह उनको पहुँचाया जाए। पर गुरुद्वारा कमेटी का भी वही रुख रहा, वही उनकी सोच थी कि ये कैसे संभव है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे पर विश्वास किया ना गुरुद्वारा कमेटी ने। फिर उनके साथ मेरी गुरुद्वारा कमेटी के साथ लगातार 4 या 5 मीटिंग हुई, वो इस दौरान मैं उन्हें इतना मनवाने के लिए तैयार हो गया कि आप जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा है उसके पीछे एक द्वार है, 2 फुट के पीछे गुरुद्वारा की द्वार थी, द्वार के साथ ही आप एक, मैंने उनको बोला कि 10 फुट का महज 10 या 11 फुट आप उसके एक किसी तरह से छोटा सी खुदाई करके देखें थोड़ी सी हिस्से पर, अगर कुआं नहीं मिलता तो ठीक है मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं अपनी बात से हट जाऊँगा। फिर इसको मनाने के लिए उन्होंने जो दिसंबर महीने में वहाँ पर एक पाइप के साथ वहाँ पर एक टक लगाया, तो रात को मेरे को ज़्यादा 10:30 बजे मेरे को कमेटी गुरुद्वारा कमेटी के लोगों का फ़ोन आया कि कुआं तो नहीं मिला पर 10-12 फुट नीचे ईंटें हैं, जो नानकशाह ईंटें पुरानी ईंटें उनके कुछ टुकड़े मिल रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि आप वहीं पर खुदाई रोक दीजिए, मैं सुबह पहुँचता हूँ तो उसके बाद चालू करते हैं। पर सुबह 5 बजे जब मैं वहाँ पर पहुँचा, बहुत क्योंकि ओस पड़ी हुई थी, बहुत कोहरा पड़ा हुआ था, तो मैं जब पहुंचा तो वहां पर नज़ारा कुछ और था। गुरुद्वारे के बाहर तक सैकड़ों लोग इकट्ठे थे और मेरे जाते उन्होंने बधाइयां देनी शुरू कर दी, क्योंकि गुरुद्वारे की जो कुएं की एक जो साइड थी वो दिखनी शुरू हो गई थी। कुएं की जगह की निशानदेही होने के बाद 28 फरवरी सन 2014 को कुएं की खुदाई शुरू हुई, जो 3 दिन तक चली। इसके लिए श्री कोच्छर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदाई में जो कुछ निकला वो दिल दहलाने वाला था। वहाँ कई सिपाहियों की अस्थियाँ और कंकाल निकले। इसके अलावा बड़ी तादाद में खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, सिक्के, बंदूक की गोलियाँ, तमगे और जेवर भी मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कुएं की खुदाई से उन शहीदों का भुला दिया गया इतिहास सामने आ गया। कुएं की जे निशानदेही हो चुकी थी कि वहाँ पर कुआं है। गुरुद्वारा कमेटी के पास उसी दिन मैंने उनके साथ एक और दोबारा मीटिंग की, और उसमें मैंने उनको फाइनली कहा कि अब किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं हट सकते और हमें वो लाशें निकालनी ही होंगी, क्योंकि इससे जो अब क्योंकि सबके सामने आ चुका था कि वहाँ पर लाशों के ऊपर ही गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए थे, प्रकाश किया जा रहा था, तो उनके हटाना लाजमी बन गया था। मैंने उसी दिन दोबारा अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए डिप्टी कमिश्नर जो अमृतसर के थे उनसे संपर्क किया, उन्होंने उसी दिन मेरी जो लेटर थी वो सीएम को फॉरवर्ड कर दी, मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड कर दी। पर अभी इतना सब कुआं सामने आ जाने के बावजूद अब भी जो लेटर डिपार्टमेंट थे, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह, कोई भी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था।
हिंदुस्तान की सभी अखबारों में, चैनलों में यह बात सामने आ चुकी थी कि कुएं की एक बाही मिल चुकी है, वो कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पर कुआं मौजूद है। मैं चंडीगढ़, दिल्ली, मैंने पर्सनली उनसे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दोबारा देकर जो विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि कुआं मिल गया है तो उसके अंदर 10 फुट नीचे मैच खुदाई करने पर वो फौजियों के कंकाल भी मिल जाएंगे। पर जैसे मैंने शुरू से जो कार्रवाई स्टार्ट की थी, अब भी जो प्रशासन और रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, जो उनका रुख वहीं का वहीं था, कोई भी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा कोई कुआं हो सकता है। खैर, जब नहीं मानने पर, जब उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट मेरे के साथ, हमारे साथ जो कोऑपरेट नहीं करेगा इस संबंध में, तो हमने 2 फरवरी का दिन निश्चित किया। बकायदा कार्ड प्रिंट किए गए और पूरी धार्मिक विधि के साथ सुबह मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने प्रेयर करके खुदाई का काम शुरू किया। जब ये 10 फुट तक खुदाई की गई तो पहला पिंजर हमें, जो खुदाई चल रही थी, तो पहला पिंजर सुबह दोपहर के कोई 2:12-13 के करीब पहले पिंजर जो हमें मिला वो खड़ा था। उस जो सैनिक था वो खड़े का पिंजर था। शायद मैंने जैसे पहले भी मेमोरेंडम में जो डीसी वगैरह को देता था, हमेशा मेरी यही बात थी कि जो ऊपरले जो बाहर में जो सैनिक फेंकेंगे वो जिंदा सैनिक फेंकेंगे, तो जिंदा आदमी हमेशा ही संघर्ष करता है कि किसी तरीके से कुएं से बाहर निकल सके, उन्होंने किया होगा, तो वो टेढ़ी हाथ में मिलेंगे। तो वही था कि वो पहला सैनिक खड़ा था। खैर, मेरे पास, हमें, जैसे मैंने पहले भी डिपार्टमेंट को कहता था कि रिसर्च करना, चलो मैं एक इतिहासकार के नाते होने के कारण रिसर्च मैंने कर ली उसमें, पर उनको डेड बॉडीज को बाहर निकालना, किस ढंग से निकालना है, कुएं की खुदाई किस ढंग से करनी है, इसके मेरे को कोई इल्म नहीं था, ना ही मेरे को इसमें डिग्री डिप्लोमा था। तो मैंने फिर दोबारा उस दिन जो लोकल ऑफिसर थे वहाँ पर, उनको फ़ोन किया, पर अब इस बार विडम्बना यह थी कि मेरा फ़ोन उठाना तो दूर, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। तो अब सारी जिम्मेवारी मेरे पर थी कि इसको हम पूरा करना ही होगा। खैर, हमने वो कंटिन्यू किया उस दिन, और पहले दिन हमने 22 पिंजर जो कंकाल थे वो बाहर निकाले। अगले दिन जो खबर थी पूरे तकरीबन इंडिया में, वर्ल्ड में, हर जगह जो सर्कुलेट हो गई कि इस तरीके से कुएं में से सैनिकों के, जो जैसे बताया गया था उस तरीके से सैनिकों के कंकाल मिलने शुरू हो गए हैं। तो दुनिया भर के चैनल वहाँ पर लाइव कवरेज के लिए पहुँच गए, बहुत दूर दूर से, दूसरे शहरों से लोग स्पेशली आना शुरू हो गए, पर वहाँ पर कोई नहीं था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर या रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोग। खैर, हमने तीसरे दिन तक खुदाई जारी रखी, और तीसरे दिन दोपहर 2:15 पर यह खुदाई ख़त्म कर देगी। उस सभी सैनिकों के जो कंकाल थे, जो खोपड़ियाँ थी, उनके जो बोन्स थी, वो हमने सलामत बाहर निकाल लिए। वो टोटल दांतों की भी अगर गिनती करें 6,260 के करीब जो दांत थे वो भी निकाल लिए गए। सारा कुछ अब सामने था। जो अस्थियाँ रखने के लिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हमें कोई इस पर जानकारी नहीं थी कि कैसे इनको संभाल करनी है। हमने लोकल वो वहाँ पर लकड़ी के जो बनवा के एक बॉक्स बना के उनमें उनको रख दिया। देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि सारा हिंदुस्तान वहाँ पर पहुँच रहा था, पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, मेरी बार बार लिखने के बावजूद 1 महीना 27 दिन बाद, मतलब 27 मई को वो वहाँ पर पहुँचे। तब तक जो अस्थियाँ निकाली गई थी, उनकी जो सैनिकों की अस्थियाँ थी, उनमें से काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, काफ़ी मतलब टूट चुकी थी, नुकसान हो चुका था। 97 के करीब जो खोपड़ियाँ थी तब भी बची हुई थी, और उनके साथ बहुत सारा सामान और निकल रहा था जिसके बारे में खुदाई के वक्त हमें कोई इल्म भी नहीं था। जैसे एक सैनिक की जब मुट्ठी खोली गई कंकाल की, तो उसमें 1-1 रुपये के 11 सिक्के थे। इस तरीके से टोटल हमें 97 के करीब जो 1-1 रुपये के ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के मिले, 4 आने के सिक्के मिले, डायमंड रिंग मिली, और सोने के करीब 33 या 34 के करीब मोती मिले, और भी बहुत सारा सामान था जो इनके सैनिकों के साथ उस कुएं में दफन था, वो सारा निकाल लिया गया। और अब जबकि सारा कुछ सामने आ चुका था, फिर भी हमने दोबारा कमेटी को कहा कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि इन कंकालों का सबसे पहले DNA, इनकी डेटिंग, कोटिंग वगैरह की जाए, कहीं पर भी कोई शक ना रह जाए। कुएं की खुदाई ने सन 1857 के इस कत्ले आम को सही साबित तो कर दिया था, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां और सवाल बाकी थे। अब जो जैसे, क्योंकि मैं लगातार सरकार के पास, अब मेरी डिमांड बदल चुकी थी,
अब मेरा ये था कि इनकी डेटिंग कोटिंग वगैरह कराई जाए, इनका डीएनए कराया जाए अगर पॉसिबल है, पर दुर्भाग्य की बात है जहाँ पर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। और सरकार ने काफ़ी लंबे टाइम बाद जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक साइंस की टीम है, दिल्ली की कुछ लोग लोकल हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे रिलेटेड डिपार्टमेंट के, वो वहाँ पर भेजे गए। अब उनका यह था कि जो बड़ी अच्छी हालत में बोन्स थी वो और जो स्कल थे खोपड़ियाँ थी वो अपने साथ ले गए, वो दांत जो निकले थे वो भी ले गए, और बाकी जो अस्थियाँ थी वो वो जिम्मेवारी हम पर ही छोड़ गए कि आप इसका कुछ भी कर लीजिए। और अब मेरे लिए एक और जिम्मेवारी थी कि इनको अस्थियों का क्या करना चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा गिनती में हिंदू थे। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की अलग अलग धार्मिक जथेबंदियों के साथ, धार्मिक एसोसिएशन के साथ, एक ही रिजल्ट पर मैं पहुंचा कि इनको इनके बनता जो जगह है हरिद्वार में जल प्रवाह किया जाए, क्योंकि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था हम ये भी चाह रहे थे कि वहीं पर लोकल अजनाला में इनका संस्कार करके वो विधि पूर्वक उनकी राख हरिद्वार में जल प्रवाह की जाए, पर जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ देने में काफ़ी देर कर दी, तब तक हम डिसीजन ले चुके थे। और मैंने जो हरिद्वार में गंगा समिति है उनसे संपर्क किया। इस सारे एपिसोड में लगातार एक के बाद एक नई मुश्किल मेरे सामने खड़ी हो रही थी, क्योंकि अब गंगा समिति ने जय कहकर अस्थियां प्रवाह करने से इनकार कर दिया, कोई इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े मात्रा में इतनी बड़ी गिनती में कभी हरिद्वार में किसी ने अस्थियां प्रवाह की ही नहीं, तो वो काफ़ी मेरे को वहाँ पर भी जद्दोजहद करनी पड़ी। पर मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बड़ा आभारी हूँ, वहाँ पर जो लोकल संत थे, जो वहाँ पर शांति कुंज आश्रम है और गंगा समिति खास विशेष तौर पर, उनका बड़ा मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें मेरे को बहुत कोऑपरेट किया। और हम जो जितना भी अस्थियाँ थी दो ट्रकों में, वो अस्थियाँ जो बची हुई अस्थियाँ थी वो वहाँ पर ले जाने में कामयाब हो गए। खैर गंगा में विधि पूर्वक उनका जल प्रवाह किया गया और वहाँ पर कई साधुओं ने इकट्ठे होकर इनके लिए प्रेयर भी की और बहुत सारे एक आत्मिक शांति थी। इन्हें मिली कि नहीं मिली मेरे को खुद को नहीं मैं समझ सका अभी तक, पर उस वक्त जो मेरे को आत्मिक शांति मिली इनका ये सब करने को, क्योंकि एक जिम्मेवारी थी, ये अस्थियाँ निकालने के बाद इनको कहीं पर भी हम फेंक नहीं सकते थे, उनको कहीं ना कहीं धार्मिक विधि के साथ जो क्रियाक्रम उनका करना था उस वक्त हर उत्तराखंड के जो साधु संत महात्मा थे उनकी वजह से उसमें मेरे को कामयाबी मिल गई। अब अस्थियाँ प्रवाह हो चुकी थी, पर एक साथ ही एक नई जिम्मेवारी थी कि कल को आने वाले टाइम में कोई इस पर किंतु परंतु ना करे, कि जे एपिसोड के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, जो सारी जो अचीवमेंट थी एक बड़ी। इसलिए मैंने पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट की और पंजाब सरकार ने इसकी एक बॉडी कायम की, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और मुझे भी उसमें शामिल किया गया। उसमें यह था कि हमें अपनी रिपोर्ट देकर अब यह साबित करना था कि जो 1857 के ही सैनिक थे, हालांकि सारी निशानियां मिल चुकी थी, इसके लिए जिम्मेवारी पंजाब सरकार की ओर से सौंपी गई। पर इसमें भी एक लंबा 2 महीने का टाइम निकल गया, जो हालांकि 15 दिन का टाइम दिया गया था। उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट जो चंडीगढ़ पटियाला यूनिवर्सिटी है वीसी को सबमिट की, उसमें क्लियर सारा डॉक्यूमेंट जितने भी मेरे पास थे, चाहे वो क्राइसिस इन द पंजाब बुक थी, चाहे कूपर का ट्रायल हुआ वो था, जो लोकल फोटोग्राफ्स थी 1920 से लेकर 2004 तक जब तक कुआं खोदा नहीं गया, उस वक्त की सारी फोटोग्राफ विद डॉक्यूमेंट मैंने उनको सबमिट कर दिया। इसके बाद सरकार के ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि एक तो उनका डेटिंग कोटिंग करे, उनके बारे में जो तथ्य सामने लाए कि कैसे हुआ, जैसे कुछ साइंटिस्ट ने तब बताया कि वाकई ही जैसे मैंने लिखा था जब मेमोरेंडम में बता रहा था कि इनको इनको मारने से पहले इनके ऊपर कोई ना कोई केमिकल फेंका गया होगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसके ऊपर चूना और जो कोला था वो फेंका गया था, वो हड्डियों से क्लियर हो गया। यह भी पता चला कि तकरीबन सभी खोपड़ियों जितने भी स्कल थे उनके सेंटर में बंदूक से वार किया गया था, डंडों से वार किया गया था, जिनके निशान उसके ऊपर थे, काफ़ी चीज़ें थी जो क्लियर हो रही थी। पर यूनिवर्सिटी के जो जिन प्रोफेसर को जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी को इसके बारे में आगे जांच करें, क्लियर करें इसको कि कब की है, उन्होंने अपने ढंग से उसकी नई कहानियाँ उन्होंने खैर जे साबित करने की कोशिश की कि जे रिसर्च उनकी थी उन्होंने किया। खैर उसके बाद उनको काफ़ी झाड़ भी पड़ी और सरकार ने क्लियरली उनको बोला कि ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करेगा। कुल मिला के सरकार ने इसके लिए जो मेरी सेवाएँ थी सरकार ने उसको सही मानते हुए एक स्टेट वार्ड भी दिया और बहुत सारे और भी जो लोकल वार्ड थे उस वक्त मिले। पर मेरी जो मेन थी, मैं जो मेन डिमांड कर रहा था
कि इनके परिवार कहाँ पर हैं, उनको हक बनता है कि उनको उनके बच्चों के बारे में उनके अब क्योंकि वो चौथी या पांचवी पीढ़ी में भी अगर पहुँचे लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि उनके जो जो सैनिक थे उनके परिवार का हिस्सा थे मैं उनका क्या बना। पर उसमें जो क्योंकि यह जिम्मेवारी सरकार के ऊपर थी, मैंने अपना रोल जितना किया मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे ढंग से कर पाया लोगों के सहयोग से। अपने जो मेरे दोस्त थे जो जिन्होंने गुरुद्वारा कमेटी या लोकल लोगों ने सहयोग दिया उनके कारण कर पाया। पर नामों के ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह है, ये लोग कौन थे, अवध के थे, पर किन परिवारों से थे, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं क्लियर हो सका। आज भी मेरी सरकार से वही डिमांड है कि इनके परिवारों के बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही नाम है प्रकाश पांडे का, और जहाँ एस सिंह करके एक जो सिक्का मिला था, मेडल मिला था, उसके ऊपर था, बाकी सिपाहियों के नाम गुमनाम है। सरकार से आज भी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस अध्याय को पूरा करने में सहयोग दें और इन सैनिकों के जो वहाँ पर अनजान है अभी भी उनके नाम उनके परिवारों के बारे में शिनाख्त जरूर कराए। अजनाला नरसंहार सन 1857 की बगावत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। अजनाला का वो कुआं अब शहीदा दा खूह कहलाता है और उस समय जो कुछ हुआ हमें उसकी याद दिलाता है। ये कुआं आज उन शहीदों की कहानी सुनाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं।